इंडियन सिनेमा, फिर चाहे वो साउथ का हो या बॉलीवुड का, हीरो को फायर और हीरोइनों को फ्लावर समझा गया है। यानी स्क्रीन पर मर्दानगी का ठेका हीरो लेते हैं और हीरोइनें बरसात में गीली साड़ी पहनकर पब्लिक को सिर्फ इरोटिक फील देती हैं। बट अब सीन चेंज हो रहा है, हीरोइनें भी धाकड़ हो रही हैं और अपने एक्शन से दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रही हैं। इस पूरे ब्रिगेड में तीन हीरोइनों का नाम सामने आता है जिन्होंने बॉलीवुड के फीमेल एक्शन सीन को पूरी तरह से कन्वर्ट कर दिया है। इनका नाम है दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और कंगना रनावत। कंगना रनावत इस मामले में सबसे आगे हैं, बिकॉज उनकी धाकड़ का जिन्होंने प्रोमो देखा है, वो प्रोमो को देखकर एंजेलिना जोली चार्लीज थेरॉन की फिल्मों को रिकमेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन राइटर ने कंगना की धाकड़ को ब्लैक विडो से बेहतर बताया है। तो कंगना का जो पूरा एक्शन अवतार है वो पब्लिक को बहुत अपील कर रहा है, और कंगना ने इससे पहले रिवॉल्वर रानी और मणिकर्णिका में भी बहुत अच्छे एक्शन सिक्वेंस किए थे। यानी हीरोइन अब सिर्फ रोम कॉम के लिए और पब्लिक को इंटरटेन करने के लिए आइटम सॉन्ग नहीं करेंगी, बल्कि अपने एक्शन अंदाज से पब्लिक को रोंगटे खड़े करने पर मजबूर भी कर देंगी। वहीं बात करते हैं कंगना के अलावा दीपिका पादुकोण की, जो कि चांदनी चौक टू चाइना में अपनी एक्शन के हल्के फुल्के स्किल दिखा चुकी थी, बट फुल फ्लेज एक्शन में दिखाई देंगी वो पठान में। यानी कि वॉर फ्रेंचाइजी में वो बहुत सारे स्पाइस के साथ बहुत अच्छे एक्शन करेंगी। ट्रिपल एक्स की तरह गेस्ट अपीयरेंस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर फुल फ्लेज रोल होगा, और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से इंग्लिश मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी ली है और बहुत सारे टेक्निकल स्टंट भी सीखे हैं। तीसरा नाम आता है आलिया भट्ट का, जो कि अपने हस्बैंड रणवीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्रा में सुपर वुमेन के अवतार में नजर आने वाली हैं। जब उनका किरदार सुपर वुमेन का होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्शन सीक्वेंसेस भी उनके बहुत ज़्यादा होंगे। प्लस आलिया भी फिलहाल जो भी कर रही हैं उन पर सूट कर रहा है, तो आलिया का जो सुपर वुमेन वाला किरदार है ब्रह्मास्त्रा का, वहाँ एक्शन की डोज कितनी ज़्यादा होने वाली है ये मूवी के कैनवास से और मूवी के ग्रैंड फिगर से अंदाजा लगा सकते हैं। इसी फहरिस्त में नाम आता है कृति सनन का, जो कि टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग मूवी गणपत पार्ट 1 पार्ट 2 में एक वॉरियर रोल प्ले कर रही हैं, और इसके लिए बाकायदा हॉलीवुड में ट्रेनिंग ले रही हैं एक स्टंटमैन के साथ कि किस तरह से वो कन्विंसिंग वे में एक्शन को अंदाज दे सकें। हालांकि बॉलीवुड का चेंज बेहतर है, बट थोड़ा लेट है, बिकॉज हॉलीवुड में 1979 से ही हीरोइनों को एक्शन सीन देने की परंपरा स्टार्ट हो गई थी। एलियन 1979 में आई थी, द लॉन्ग किस गुड नाइट 1996 में आई थी, उमा थर्मन की एक्शन फ्रेंचाइजी किल बिल 2003 में आई थी, चार्ली थेरॉन की मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में आई थी, वंडर वुमन 2017 में आई थी, कैप्टन मार्वल 2019 में आई थी, और एक्समैन डार्क फोनिक्स 2019 में आई थी, और ब्लैक विडो 2021 में आई। यानी ये सारी फिल्मों में आपने हीरोइनों को हैरत अंगेज सीन करते देखा होगा, यहाँ तक कि टॉम रेडर की एंजेलिना जॉली को कौन भूल सकता है। और भी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन बॉलीवुड में इस तरह के रोल हीरोइनों को बहुत कम देते हैं, उनको सिर्फ सेडक्ट्रेस का, वैम्प का या फिर पब्लिक को सीटी मारने के लिए आइटम सॉन्ग का रोल दिया जाता है। बट सिनारियो चेंज हो रहा है, जो कि वेलकम के लायक है। तो इस पूरे सिनारियो में बाइक चेस सीक्वेंसेज हो, चाहे गन फाइट हो या कार चेंजिंग हो या फिर वालेमाई की तरह ऑन रोड फाइट हो, यहाँ हीरोइनें नए नए तरीके के क्लेवर सीख रही हैं, और किक बॉक्सिंग की, पंचिंग की, मसल आर्ट की, बहुत तरह की ट्रेनिंग को फ्रेंच कंट्रास्ट ट्रेनिंग स्टाइल में अटेंड कर रही, ताकि वो स्टंटमैन के भरोसे ना रहें और हीरो से कमजोर ना पड़े। तो हीरोइनों के इस धाकड़ अंदाज को हम सलाम करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं आगे आने वाली हीरोइनों के लिए रास्ता खुलेगा और हीरो हीरोइन बॉलीवुड में बराबरी का रोल पाएंगे, जैसे कि कंगना रनौत ने साबित कर दिया है कि अगर आप फाइट सही करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी, बराबरी का हक भी मिलेगा। तो बॉलीवुड की इन धाकड़ हीरोइनों को सलाम, और दोस्तों अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारी मेहनत को सलाम करते हुए हम सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए हीरोइनों का ये धाकड़ अंदाज बॉलीवुड के लिए फेवरेबल है या फिर उनको सिर्फ आइटम पीस की तरह ही रहना चाहिए।